सामने लाया हूँ बाइक में जो हम एलईडी फोग लाइट यूज कर रहे हैं उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये जो मेरा फोग लाइट है वो मैंने खरीदी है 180 की फोग लाइट ली है और 50 रुपीज का मैंने स्विच लिया है, वो नॉर्मल सी है दिखाने के लिए ली है मैंने, अच्छी चल रही है आजकल वो, लेकिन लाइफ तो उसकी इतनी अच्छी है नहीं। लेकिन आपको कनेक्शन कैसे देना है उसके लिए मैंने वो खरीदी थी और लगाई है मैंने अपने पल्सर 150 में। ऐसे मैंने एक्टिवा में लगाई है, क्लासिक 350 में भी लगाई है। क्लासिक 350 की थोड़ी महंगी है, कॉस्टली है वो, 18 वाट की है, लेकिन पल्सर में लगाई नॉर्मल सी जो आती है। तो आज मैं मेन चीज आपको दिखाऊंगा कि फोग लाइट का कनेक्शन कैसे देते हैं, प्लस माइनस की वायर कौन सी होती है और स्विच कैसे इंस्टॉल करना है उसमें, और कनेक्शन बैटरी की वायर, कई बार हम सोचते हैं कि बैटरी से डायरेक्ट लेनी है, बैटरी से डायरेक्ट नहीं लेनी पड़ती है वो, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से लेनी है वो। तो आज की वीडियो में हम आपको इतना ही दिखाएंगे कि फोग लाइट कैसे इंस्टॉल करते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, अच्छी जगह कहाँ पे है और उसका कनेक्शन कैसे देना है आसान तरीके में। हम दुकान में जाते हैं तो हमें 50, 100 या 200, 300 रुपये इंस्टॉल के लेता है वो। फोग लाइट कितने की है मेरी, 180 प्लस 50, 230 की फोग लाइट पड़ी है मुझे वो। तो चलिए गाड़ी के पास चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं इंस्टॉल मैं कैसे आपके करते सामने फोग लाइट आपको दिखा रहा हूँ, ये मात्र मैंने 180 रुपये की खरीदी है, आप देख सकते हैं ये आपको कहीं 300, कहीं ऑनलाइन 500 रुपये की मिल रही होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको 180 रुपये का खरीदा। और इसमें जो मैंने स्विच यूज़ किया है वो ये स्विच यूज़ किया है, आजकल काफ़ी फेमस हो चुका है ये, लाइट भी देख सकते हैं। तो ये मात्र 50 रुपये का स्विच है, कोई इसको 80 का देता है, कोई इसको 150, 200, 250, ऑनलाइन 250 रुपये का मिल रहा है, लेकिन सीधा शॉप पे जाओगे आप तो स्पेयर पार्ट की दुकान पे आप इस स्विच को लोगे तो 50 रुपये, 50 रुपये से लेके 100 रुपये के बीच में मिल जाएगा। आज मेन चीज़ है, मैं आपको कनेक्शन के बारे में बताना चाहता था कि इसका कनेक्शन कहाँ से देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको पल्सर 150 में इंस्टॉल किया है, तो अभी थोड़ा लाइट कम है, इसको पल्सर 150 में इंस्टॉल किया है तो 20 रुपये का क्लिप आता है, उसमें एक नेट लगा देना है, इसका छेद थोड़ा छोटा होता है बड़ा कर देना है, और इसकी तार आती है साथ में ही आती है, तो इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं है। इसमें दो होता है प्लस और माइनस, एक जो नेगेटिव है वो ब्लैक आता है और जो पॉजिटिव होता है वो रेड में दिखाया जाता है। तो जो रेड वाली है उसको हम बैटरी से कनेक्शन लेंगे, बैटरी का कनेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिया। और जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव आप देख सकते हो इसको कहीं भी एक दोनों तारों को, दोनों फोग लाइट की तारों को इकट्ठा करके कहीं पर्टिकुलर एक नेट के साथ बढ़िया से ज्वाइंट कर देना ताकि हिले ना ये, और इन दोनों रेड जो वायर जो पॉजिटिव वाली है इन दोनों को इकट्ठा कर दो, दोनों फोग लाइट की और स्विच की एक तार को। ये होती है पल्सर में, खास कर दिखा रहा हूँ पल्सर में, पल्सर में एक ये रहता है इसमें, ये इसकी मेन सप्लाई जा रही है बैटरी से, तो इसमें ये होता है, इसमें दो रहते हैं प्लस और एक माइनस, इसमें एक प्लस और एक माइनस रहता है। तो एक सेकंड, लाइट कम थी इसलिए मैंने लाइट जलाई इसकी, इसका ये रहता है, ये बैटरी की वायर बोलते हैं इसको, इसमें एक रेड रहती है, इसमें थोड़ा फीकी पड़ गई, एक रेड एक वाइट है, तो जो रेड वाली है उसमें यहाँ पे रेड वाले से इसको कनेक्शन दे देना एक तार का। देखो ये ब्लैक को मैंने प्लस पॉजिटिव माना है यहाँ पे और ग्रीन को आउटपुट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे इंस्टॉल करने का मेन पर्पस ये है कि हम जब भी हम फोग लाइट यूज़ कर रहे हैं तो ये सीधी पड़ती है सामने वाले ड्राइवर की आंखों पे, आप खुद भी गाड़ी चलाओगे तो आपको पता लग जाएगा, जो सामने गाड़ी आती है तो अगर उसने एलईडी वाली फोग लाइट यूज़ की हुई है तो आपकी आंखों में पड़ेगी, और अगर आप उसको बंद नहीं करोगे तो गाड़ी आपके ऊपर ही आएगी, दिक्कत आपको ही होगी, एक्सीडेंट आपका ही होगा। तो इसलिए इसको दिया मैंने लेफ्ट हाथ के साथ में ताकि आपको ऑन ऑफ करने में दिक्कत ना हो, जैसे हम पास का स्विच देते हैं, ये डिपर बोलते हैं अप एंड डाउन का देते हैं, वैसे इसका ऑन ऑफ पास में हो गया। तो दोस्तों इतना ही है इस वीडियो में और ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, फोग लाइट इंस्टॉल करने के लिए कुछ भी नहीं है, स्लीव लगा लो चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मेन चीज़ है कनेक्शन, कनेक्शन कैसे देना है। यहाँ बैटरी की एक वायर ले लो, उसको स्विच में चले जाएगी और आउटपुट में हो जाएगी स्विच की, तो रेड मतलब प्लस वाले में दे दो, प्लस वाले दोनों को इकट्ठा कर लो,
ये देख सकते हैं दोनों फोक लाइट की मैंने रेड वायर इकट्ठी कर दी, और जो नेगेटिव है नेगेटिव वाली को मैंने पूरी गाड़ी में वो कर दिया है। यहाँ से कनेक्शन मिल गया इसको, कनेक्शन मिल गया इसको नेगेटिव, पूरी गाड़ी में नेगेटिव रहता है, माइनस इसको बोलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करना, कोई बात होगी तो पूछना, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको अपना दे दूंगा इसमें। और ये छोटी सी वीडियो थी मेरी फोक लाइट के ऊपर, आपको जला के दिखाता हूँ, है तो 180 रुपये की, देख है मज़ेदार चीज़ है, जला के दिखाता हूँ। ये देखिए लाइट बहुत होती है इसकी, लेकिन बस सामने वाले को जाना, ऑन ऑफ करते रहना टाइम टू टाइम। ये देखिए लगाना भी इसको आसान है और है भी, ज़्यादा महंगी नहीं है। और कोशिश करो कम, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मार्केट से खरीदने की, स्पेयर पार्ट की दुकान से, ऑनलाइन अमेजोन से खरीदोगे 450 रुपए की किसी को दे रहे हैं वो, और जो कि मैंने अपनी एक्टिवा में भी लगाया है, मैं आपको एक्टिवा का भी दिखाऊंगा कि एक्टिवा मैंने कैसे कनेक्शन दिया है। और मेरे पास क्लासिक 350 है उसका भी दिखाऊंगा मैं, उसको भी मैंने अच्छी वाली LED है वो वाली दिखाऊंगा मैं कैसे इंस्टॉल किया है उसको। आजकल काफ़ी वीडियो आ रही हैं इसके ऊपर, लेकिन मेन चीज़ है कनेक्शन कैसे देना है, क्योंकि आप दुकान पर चला जाओगे 250-300 रुपये ले लेगा आपसे लगाने के, कम से कम 100 रुपये तो ले ही लेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो। अच्छा लगती है LED फोक लाइट की, ये ऑन कर दिया, कितनी लाइट है इसकी, इतनी सी फोक लाइट की कितनी लाइट है ये देखिए, धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छा लगे तो, हो सकता है भविष्य में हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेके आएं।